राष्ट्र क्यों जब हिंदुस्तान है तो? नहीं, हिंदू राष्ट्र में उसमें हर्ज क्या है? उसमें अलग है, उसमें क्या क्या होगा वही समझना चाहता हूँ। क्या है उसमें? मैं समझना चाहता हूँ उसमें होगा क्या। से ही यहाँ अक्सरियत में हिंदू है तो उन्होंने ये हिंदुस्तान अगर सेकुलर है तो वो हिंदुओं की ही वजह से सेकुलर है। हम जो भी करते हैं हम कालीन के ऊपर ही करते हैं, कालीन के नीचे भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करती। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, वो थोड़ी कोई पार्टी है, वो दो चार परिवार इकट्ठे होते हैं, वो परिवार मिलकर चाहते हैं राजनीति करना। वो वाली दुकान बंद की है मोदी जी ने। लोग हैं जो ये बैठे हुए हैं वो कोई हरकत कर रहे हैं कुछ, कोई देख रहे हो उनको? जैसे कोविड के इंजेक्शन ही नहीं लगाए हैं, ऐसा इन्फेक्शन हो गया है। उनको बोलो आप भी कोविड शोविड इंजेक्शन लड़ाओ, हमें भी मजा आएगा ना, दंगल में कोई आगे तो होना चाहिए। सुरेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके TLR ताबड़तोड़ तरीके से खबरें पहुंचाते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन। ये हमारे इस महीने में पूरे प्रोग्राम चलने हैं दूर दूर, हर्षद को जल्द शाम पहुंचो तो कैमरी मारो नशी गाँचो है तो उनको भी तो जीने का अधिकार है। नहीं मन में चल रहा है पूछो, यही है कि सांप कौन? मैंने बोला उनको जहर दिया है। नहीं वो ठीक है, लेकिन सांप किसको बना रहे, जहर किसने दिया और कौन है सांप? मुझे भी मानी नहीं लो फिर, हमें भी सांप अलग, आप सांप हैं, आप सांप अलग लगा रहे, आप बात को अलग दिशा में ले रहे हैं। हिंदू राष्ट्र जो है बनेगा तो जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदू राष्ट्र की बात नहीं की जाती है, तो क्या हम ये माने कि इस तरफ इसलिए बात नहीं की जाती कि कहीं वोट बैंक खतरे में ना आ जाए, और उस तरफ इसलिए बात की जा रही है क्योंकि वोट बैंक उसी से? देखो इसका माने लोग गलत निकाल रहे हैं। नहीं नहीं मैं आपको समझाऊंगा हिंदू राष्ट्र क्या हुआ, मुझे बताओ क्या इसका समझाएं मुझे। नहीं मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ, आपको क्या लगता है? मैं समझना चाहता हूँ मैंने कहा था। देखो हिंदुस्तान जो है वो एक गुलदस्ता है। गली में आपको है शक्तिशाली विश्वास की तलाश, दुर्गा शक्ति टाइल्स बनाती है आपके घर को खूबसूरत, आपके घर की दीवारों को लोहे से मजबूत बनाती है दुर्गा शक्ति टाइल्स। आज ही संपर्क करें और ले आए अपने घर यहीं से टाइल और ब्रिक्स। अद्भुत डोडा का अद्भुत प्रयास, एक बार करके देखो दुर्गा शक्ति टाइल्स पे विश्वास। ज्यादा कहीं दूर नहीं डोडा डिस्ट्रिक्ट में ही है इनका काम। आपको चाहिए ट्रैवल ब्लॉक टाइल्स, पार्किंग टाइल्स, फैंसी पॉट्स, सॉलिड ब्लॉक्स, फ्लेक्सी मैट्रिक्स, क्या सोच रहे हैं? उठाए फोन और लगाए कॉल। नमस्कार आदाब व सत श्री अकाल, मैं हूं सुलेंद्र परिहार और आप देख रहे हैं TLR न्यूज़, और हमारे साथ में जो है इश्तियाक वानी साहब है और इश्तियाक वानी साहब के साथ बातचीत करेंगे। आप जानते हैं कि समय समय पर हमारे साथ इंटरेक्ट होते हैं, तो आज ये भी मिल गए तो हमने कहा कि आज के टाइम पर जो है कहीं ना कहीं इनसे भी बात कर लें, क्योंकि बेनिफिट्स को लेकर यहाँ पर बात हो रही है और बेनिफिट्स को लेकर तो है ये जो है हमेशा बात करते हैं कि इतना ज़्यादा बेनिफिट जो है वो लोगों को हुआ है। तो इस सम्मेलन के अंदर आके बहुत सारे लोग आए, देखिए आप कुर्सियाँ अभी खाली हैं लेकिन ये पूरी कुर्सियाँ जो है भरी पड़ी थी यहाँ पर, यानी कि पूरा का पूरा कम्युनिटी हॉल जो है भरा पड़ा था, जो कि है वही कह रहे हैं। सर क्या कहेंगे, स्वागत है आपका, क्या कुछ कहेंगे आज बेनिफिट के बारे में जो है सम्मेलन रखा गया? सुरेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके TLR ताबड़तोड़ तरीके से खबरें पहुंचाते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन। ये हमारे इस महीने में पूरे प्रोग्राम चलने हैं और ये चलते रहेंगे। जो मोदी जी ने काम किए हैं 9 साल, और उन कामों को हमने लोगों तक पहुंचाना है, जो बेनिफिशरीज के काम हुए हैं और जो होने जा रहे हैं उनके लिए भी हम प्रतिबद्ध हैं। और आपने देखा होगा कि आज यहाँ भी और हर जगह देश के कोने कोने में आज बड़े नेताओं से लेकर छोटे कार्यकर्ता तक इस काम में मसरूफ़ हैं, और हमें भी इस काम में ड्यूटी पर लगाया गया है और हम भी प्रतिबद्ध हैं अपने काम पे। और कुछ मुझे बताओ कि जैसे ईस्ट और वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है 53 के अंदर अब 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज बन गई है, तो जो आपकी वाली यानी कि जो घट की है वो किस तरफ है और आप किस तरफ? मैं BJP की तरफ हूँ। कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में? हमारी जो मेरा
वोट है वो हमारे 52 डोडा में है, मैं ईस्ट की तरफ से यहाँ वोटर हूँ, तो हमारी नज़र ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सभी जगहों पर बनी रहती है, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपको मौका मिलेगा इलेक्शन लड़ने? देखिए इलेक्शन का इस समय तो कोई, अभी पार्लियामेंट के चुनाव हैं, उन तैयारी होती है ना कि नहीं, अगर इलेक्शन हुई तो मैं का हर एक कार्यकर्ता हमेशा तैयारी होता है, तो उनके जो सियासी गन है वो काक रहती है, तो बांदरदीप का बच्चा बच्चा तैयार है, अब सिर्फ मोदी जी की आज्ञा का इंतज़ार है, जब वहाँ से हुक्म आएगा तो सभी लोग तैयार रहते हैं, तो इसमें ईस्ट और वेस्ट नहीं है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता तैयार रहता है, और जब उनको कभी भी आदेश मिलते हैं तो उनकी टांगें नहीं कांपती हैं। इस तरफ हम देख रहे हैं कि जो है वेस्ट की तरफ जो है शक्ति परिहार साहब लगातार जो है सम्मेलन भी कर रहे हैं, मीटिंग्स भी कर रहे हैं, लेकिन उस तरफ आना उन्होंने कम कर दिया आप, क्योंकि इससे क्लियर तो हो जाता है कि वो इस तरफ जो है अपना जो है कमान संभाले हुए हैं, उस तरफ अब उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ना। तो इस तरफ भी वो मसरूफ रहते हैं, ऐसी बात नहीं है, वो हमारे प्रदेश के वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो उनके हर तरफ ध्यान रहेगा, और जिस समय आप जब ऐसा तो नहीं कि दोनों तरफ से लड़ने जैसे पिछली बार, देखिए वो पार्टी के निर्णय होते हैं, उन पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, वो फैसले हो चुके हैं, जो अब नए यहाँ चुनाव हैं अभी पार्लियामेंट के चुनाव के लिए, जब असेंबली के चुनाव के लिए भी यहाँ बिगुल बजेगा, तो उसमें भी आप देखेंगे कि कोई कसर नहीं रखी जाएगी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब जगहों पर ताबड़तोड़ हमले होंगे, पहले चौके लगे। कितनी सीटें ले रहे हैं यहाँ हमारे चिनाब वैली से बता दिए, जम्मू कश्मीर में तो हमारा नारा 50 प्लस का है, 50 प्लस होगा तो सरकार बनेगी। चिनाब वैली में मुझे लगता है कि कोई ऐसी सीट नहीं है जिस पर इस समय हमारी पकड़ जो है वो कमज़ोर है, हमारी पकड़ इस समय बहुत मजबूत है, लोगों में काम किए हैं मोदी जी के, काम अलायंस वाले भी रुके पड़े हैं, अलायंस वाले भी रुके पड़े हैं, वो कहाँ हैं? देखो वो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, वो थोड़ी कोई पार्टी है, वो दो चार परिवार इकट्ठे होते हैं, वो परिवार मिलकर चाहते हैं राजनीति करना, वो वाली दुकान बंद की है मोदी जी ने, और आप भी उनको आपके माध्यम से संदेश देता हूँ, कहाँ उनको आप देखते हो, वो तो पड़े हुए हैं, अभी हरकतें जो हो रही हैं वो तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही कर रहा है, ये जो आप देख रहे हैं ये कौन कर रहे हैं? बीजेपी का कार्यकर्ता में उत्साह है, एक लहर है, वो पड़े हुए हैं, उनको ऑक्सीजन गैस ही नहीं है, वो निकल गई है तो वो गुब्बारे ख़त्म हो गए हैं, उनमें फूंक निकल गई है, तो देखो कैसे पड़े हुए हैं, आप भी तो मार्केट में ही होते हैं, कहीं देखा उनको कोई हरकत करते हुए? यहाँ ईस्ट में हो या वेस्ट में हो बीजेपी का ही कार्यकर्ता है ना, इलेक्शन में तो वो भी, जब इलेक्शन टाइम विगल बजेगा तो वो भी जो हरकत में तो आ जाएंगे सारे के सारे, और वो अंदर अंदर से कहीं ना कहीं हरकत कर रहे होंगे, वो भी अंदर अंदर से राजनीति में हरकत नहीं होती है, बाहर बाहर में हरकत होती है, अंदर की रणनीति उन्होंने देखा है, हमेशा से तो ये बताया जाता है कि बीजेपी जो है अंदर अंदर से काम करती है, नहीं वो हमारा अंदर से काम नहीं करते हैं बीजेपी, बाहर से हम जो भी करते हैं हम कालीन के ऊपर ही करते हैं, कालीन के नीचे भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करती है, नरेंद्र मोदी जी के काम हम बोलने पे लगेंगे तो ये महीना क्या, हमें बहुत सारा टाइम लगेगा उन कामों में, अगर लिस्ट बनाने उनको दे देंगे ना, अगर वो लिस्ट बनाकर दे देंगे हमें कि उन्होंने क्या क्या काम किए हैं, तो हम राजनीति से ही दूर भागेंगे। मुझे ये बताएं कि बाकी जगहों पर जो है, हर जगह पर हिंदुस्तान के अंदर आज एक जो है मुद्दा उछला हुआ है, पहले भी था कि हिंदू राष्ट्र जो है बनेगा, तो जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदू राष्ट्र की बात नहीं की जाती है, तो क्या हम ये माने कि इस तरफ इसलिए बात नहीं की जाती कि कहीं वोट बैंक खतरे में ना आ जाए, और उस तरफ इसलिए बात की जा रही क्योंकि वोट बैंक उसी से? देखो इसका माने लोग गलत निकाल रहे हैं, नहीं नहीं मैं आपको समझाऊंगा, हिंदू राष्ट्र क्या हुआ मुझे बताओ, क्या इसका आप समझाएं मुझे? नहीं मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ, आपको क्या लगता है? मैं समझना चाहता हूँ, मैंने कहा था देखो हिंदुस्तान जो है वो एक गुलदस्ता है, ये लोगों ने एक गलत इसका अर्थ निकाला है, हिंदू राष्ट्र जो है वो उसका माने अलग निकाल रहे हैं, ये देखो हिंदुस्तान तो पहले कहा जाता था, तो हिंदू राष्ट्र कह के क्या मतलब रहेगा, और जब तक सूरज चांद रहेगा ये बना रहेगा, हिंदुस्तान रहेगा या हिंदू राष्ट्र रहेगा, क्योंकि राष्ट्र अलग बात करते हैं। राष्ट्र क्या हुआ मुझे बताओ, आप राष्ट्र के माने क्या है?
यहाँ मानों की बात की जाती है या मतलब देश अलग से, क्योंकि देश कहा जाता है ना हिंदुस्तान, मतलब मेरे भैया जो आप लोग बोल रहे हैं ना, जो मेरे से आप अपने शब्द मेरे मुंह में डालने पर आप तुले हुए हैं, मैं समझना चाहता हूँ। ये नरेंद्र मोदी जी का वो नारा दो, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, वो नारा लगा। हिंदू राष्ट्र क्यों, जब हिंदुस्तान है तो नहीं, हिंदू राष्ट्र में उसमें हर्ज क्या है, उसमें अलग है, उसमें क्या क्या होगा वो समझना चाहता हूँ, क्या है उसमें, मैं समझना चाहता हूँ होगा क्या। से ही यहाँ अक्सरियत में हिंदू है, तो उन्होंने ये हिंदुस्तान अगर सेकुलर है तो वो हिंदुओं की ही वजह से सेकुलर है, क्योंकि यहाँ हिंदू ही बहुत जबरदस्त तरीके से सेकुलर है, तो इसीलिए यहाँ सेकुलर है, मुस्लिम सेकुलर नहीं, क्या ये कह रहे हैं? नहीं, तो तभी तो यहाँ देश चल रहा है ना, यहाँ सेकुलर नहीं। आप एक को नंबर वन करते हो दूसरे को नंबर टू दे रहे हैं। भाई है ना, बड़ा भाई है, बड़े भाई ने छोटे भाई का हमेशा ध्यान रखा है, बड़े भाई ने यहाँ कलाम साहब को, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हिंदुस्तान का सदर भी बनाया, वो तो मुसलमान था, नहीं नहीं बने सदर हिंद, कौन बने थे वो, कलाम साहब को बनाया था। तो बड़े भाई की भूमिका यहाँ हमेशा हिंदू भाइयों के पास रही है, तो हम छोटे भाई हैं तो हमें भी पूरा प्यार मिलता है। जम्मू कश्मीर के अंदर बड़े भाई हैं हिंदू या छोटे भाई? यहाँ भाई भाई ही हैं हम आपस में, बराबर। यहाँ जुड़वा तो नहीं है, यहाँ जुड़वा तो नहीं, जुड़वे में भी जो पहले आता है ना वो बड़ा होता है, तो जो बाद में आता है वो छोटा होता है, तो यहाँ छोटे बड़े की बात ही नहीं है। हमारा एक ही मिशन है कि मोदी जी ने जो काम किए हैं उन कामों तक लोगों तक हमने पहुँचाने हैं, और हमें यही काफ़ी है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अधूरा कर दिया आपने, फिर भी आपने अच्छे तरीके से समझाया नहीं मुझे, देखो अभी भी समझ नहीं आ रही। जब हमारा हिंदुस्तान हिंदुस्तान है तो फिर हिंदू राष्ट्र में क्या समझाऊंगा मैं, वही समझ। जिनको ये तकलीफ होती है ना, पाकिस्तान इस्लामी ममलिकत बना, जो वहाँ हिंदू रहे वो 13% थे, क्या परसेंटेज है आज उनकी, जा पता कराओ, क्या बताओ, जीरो जीरो परसेंट। उधर कहाँ पे आपने पढ़ाई, जाओ आप सर्च करो, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो। 0% बिल्कुल खत्म हो चुके हैं वहाँ पे, मतलब हिंदू है ही नहीं। नहीं, वहाँ उनका कोई आपने पद अधिकारी देखा कभी, उनकी टीम में कोई आपने हिंदू को कहीं खिलाड़ी देखा आज की डेट में? तो हमारे हिंदुस्तान में आप देखो, अगर यहाँ भुवनेश्वर कुमार बॉलिंग करता है तो यहाँ मोहम्मद शमी भी बाल फेंकता है, यहाँ मोहम्मद सिराज भी बाल फेंकता है, सभी खेलते हैं। हिंदुस्तान सेकुलर है ही, तो इसमें इसी का तो गर्व है पूरी दुनिया में। देखो हिंदू राष्ट्र सेकुलर होगा मेरे भैया, एक बात बताऊंगा, मुझे ही खाली नरेंद्र मोदी जी पर गर्व नहीं है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री बोलता है ही इज द बॉस, नरेंद्र मोदी इज द बॉस, और दूसरे मुल्क का सदर हमारे प्रधानमंत्री जी के पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहता है, तो हमें फक्र होना चाहिए इस बात पर। कोई ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे समझ नहीं आई कि हिंदू राष्ट्र क्या है, आप फिर भाग रहे हैं, आज आगे पीछे भाग रहे हैं, लेकिन समझा नहीं पा रहे। भागूंगा तो समझाओ ना मुझे कि हिंदू राष्ट्र क्या है, हिंदू राष्ट्र क्या है, आप बताइए। आप तो आपसे जानना, सनातन धर्म से ताल्लुक रखते हो? नहीं, क्यों नहीं, नहीं ताल्लुक रखता हूँ, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, मेरा इंटरव्यू हो रहा है, आप सनातनी हो, आपका इंटरव्यू हो रहा है, इंटरव्यू मेरा ले रहे हैं ना, फिर जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो, मानी है मुझे उसका जवाब। सुनो, मुझे कभी भी मजबूर नहीं भारतीय जनता पार्टी ने किया कि आप आओ और हमारे साथ, आप जो हमारा रिलीजियस सिस्टम है, मैं इज्जत करता हूँ, एहतराम करता हूँ सनातन धर्म का, और वो हमारे इस्लाम का एहतराम करते हैं, तो आप लोगों को हर्ज क्यों हो रहा है? हिंदू राष्ट्र मतलब सनातन धर्म के साथ कैसे मतलब जोड़ाव दे रहे हैं, यही समझना चाहता हूँ। दुनिया में 55 मुल्क मुस्लिम ममलिकत हैं, हैं इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान इस्लामी बुनियादों पर बनाया गया, इसमें भी कोई शक नहीं है, है? मतलब आप चाहते हैं कि सेकुलर मुल्क जो है वो हिंदू राष्ट्र जो है, तो हिंदू राष्ट्र आपको क्या लग रहा है यहाँ पर एक ही धर्म मानी को यहाँ से निकाल देंगे? अगर आपने मुझे एक बार पहले भी सवाल किया था कि क्या भगवादारी जम्मू कश्मीर की असेंबली में जाएगा, तो अगर जाएगा भी तो हर्ज क्या है? आज तक तो यहाँ जम्मू कश्मीर में मुसलमानी मुख्यमंत्री बने थे, अब अगर हिंदू भी बनेगा तो उसमें हर्ज क्या होगा? बनना चाहिए, मैंने कब कहा बनना नहीं चाहिए, बनेगा नहीं, बनना चाहिए हुए उस बात पर, तो बना हुआ है, अब सिर्फ औपचारिकता ही रह गई है, अब सिर्फ इलेक्शन की डेट का इंतजार होगा, वो तो बना ही हुआ है। तो आपने मुझे एक दिन स्टेडियम में सवाल किया
कि क्या बागवा वाले अब वहां जाएंगे तो वो क्या बागवा गए हुए बागवा वाले तो ऑलरेडी गए क्यों नहीं होते उत्तर प्रदेश में नहीं है आप बागवादारी कोई देख रहे हैं तो जो उतने 22 करोड़ लोगों के वहां नुमाइंदगी कर रहा है तो उसको जांच नहीं आ रही है तो उनको हक नहीं बनता है। फिर आप सवाल से भागे चलिए सवाल मैं से मैं कभी नहीं, जीवन में अच्छा, भागता चलो नहीं। एक सवाल और फिर लास्ट मेरा सवाल हाँ। मुझे ये बताइए कि अगर हिंदू राष्ट्र अगर बन जाता है हिंदुस्तान जैसे कि आपने कहा कि हिंदू राष्ट्र भी बनना चाहिए और हिंदू राष्ट्र के अंदर आपने जैसे एग्जांपल दी कि बाकी जितने भी मुल्क हैं वो मुस्लिम देश हैं तो हमारा हिंदुस्तान जो है हिंदू देश बनना चाहिए ये कहना आप ये तो ऑलरेडी हिंदू देश ही है तो मुसलमान देश है सिख देश है हिंदू देश हो गया पारसी देश है यहाँ सारे लोग बसते हैं एक का नहीं है ना नहीं अगर कुछ लोग नारा दे रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए तो उसका माने क्या है क्या माने है उसका हिंदू हिंद जो है यहाँ देखो यहाँ सभी लोग मैं भी हिंदू हूँ एक हिसाब से जहाँ नहीं नहीं है जो भी इस हिंदुस्तान में इस सब कॉन्टिनेंट में रहता है तो सारे हिंदूज हैं तो सभी हैं तो कौन है यहाँ जो ऐसा नहीं है हिंदू राष्ट्र की बात की तो अगर बनेगा भी तो हर्ज क्या है उसमें क्या हर्ज है आप उसके साथ में आप चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने नहीं मैं आपसे आपका आप जानना नहीं, नहीं मेरा प्रोस्पेक्टिव नहीं जानना तो मैं आपका क्या वो कोई इस्लाम को उन्होंने बोला है कि हम उसका मिसमार करेंगे जो अपने दीन पर डटा हुआ है वो डटा रहेगा तो जो अगर ऐसी भी बात होगी तो कोई हर्ज नहीं है तो मजबूत बनेगा और मजबूत बनाएंगे अच्छा लगेगा आपको भी अच्छा लगेगा ये चोरी चकारियां ये जो ड्रामेबाजियां होती थी खत्म हो गई है हम तो सेकुलर देश में रहना चाहते हैं तो सेकुलर उसमें वो क्या कोई आतंकवादी देश बनाना चाहते हैं वही मैं समझना चाहता लेकिन आपने समझाया नहीं अच्छे से नहीं क्योंकि जो बहस जो है हिंदुस्तान में चली हुई है जिस तरीके की बहस जो है हिंदू राष्ट्र को लेकर वो कहीं ना कहीं किसी और तरीके की है जिसमें ये बताया जाता है कि मुसलमानों को कहीं ना कहीं खतरा होगा और कहीं ना कहीं वो इस वजह से होगा खतरा देशद्रोहियों को होगा मुसलमानों का या हिंदुओं का नहीं है देशद्रोही सुरेंद्र परिहार हो या इश्तियाक वानी हो ये देश उसको यहाँ रहने नहीं देगा देशद्रोही के खिलाफ कार्रवाई होगी देशद्रोही जो भी होगा वो मुसलमान हो या हिंदू हो वो यहाँ नहीं रहेगा यहाँ देशभक्त लोगों ने इस मुल्क को ये अब नई एक तस्वीर बनाई है अब नरेंद्र मोदी जी ने इसको मुक्ति को क्या समझते हैं क्या समझते हैं मेरी बहन है मेरी और क्या समझूंगा मतलब उनको भी समझते हैं कि टेररिस्ट वेररिस्ट तो नहीं क्योंकि जिस तरीके का बयान जो है सभी लोग देते हैं बीजेपी वो आपको ज़्यादा खबर है वो उनका किन का समर्थन लेते हैं हम समर्थन लेते हैं आपका भी तो लिया क्या वो मुफ्ती मोहम्मद सही जब हमने उनकी हरकतें ठीक नहीं देखी हमने ऑक्सीजन गैस ही निकाल ली तड़प रहे हैं तब से उनको ऊर्जा ही नहीं मिल रही है कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा जब नरेंद्र मोदी जी अमित शाह जी राजनाथ सिंह जी ने देखा कि इसके कदम देश के हित में ठीक जा नहीं रहे हैं तो उनको मालूम ही नहीं हो गया चिट कहाँ से हो गई पट कहाँ से हो गई तो अभी तड़प रहे हैं आप विश्वास रखिए जम्मू कश्मीर में अभी पार्लियामेंट के चुनाव के लिए ये सारी रणनीति तैयार की जा रही है ये कुर्सियाँ इस समय खाली अभी तक भरी हुई थी तो ये जो दूसरी पार्टियों वाले लोग हैं जो ये बैठे हुए हैं वो कोई हरकत कर रहे हैं कुछ कोई देख रहे हो उनको जैसे कोविड के इंजेक्शन ही नहीं लगाए हैं ऐसा इन्फेक्शन हो गया है उनको बोलो आप भी कोविड शोविड इंजेक्शन लड़ाओ हमें भी मज़ा आएगा ना दंगल में कोई आगे तो होना चाहिए ना जब कुश्ती होती है एक असली पहलवान जो होता है वो तलाश में होता है कि मेरे सामने भी कोई पहलवान होना चाहिए वो पता नहीं किधर पड़े हुए हैं कोई उनका दूर दूर भी कोई देखो आज इंसान ही इंसान को डस मार रहा है तो सांपों को तो हम यूं ही हमें बदनाम करते हैं मैं लास्ट पर एक चीज़ आपको बताऊंगा ये पहले ज़माने में जब सांपों को जहर नहीं ना होता था इनको ये लकड़हारे जो है ना ये जब जंगल में जाते थे ये कुल्हाड़ा साथ लेते थे रस्सियां साथ नहीं लेते थे इनको मालूम होता था कि हम लकड़ी काटेंगे और इन सांपों को बाद में बांधेंगे इनको रस्सी का काम लेंगे और अब नरेंद्र मोदी जी ने उनको ऐसा विश्व दिया है कि अब कौन सा ब्लैक मंबस भी हैं दूर से भी जहर फेंकता है अब कोई नहीं आता है कि उनको लकड़ियां बांधने के काम अब नहीं लगेंगे ये अब वो रेंगने वाले नहीं हैं कि तुम कुचलोगे उनको अब उनके पास वो जहर है कि दूर से भी डरते हैं कि अगर नज़दीक जाएंगे तो डसेगा और कोबरा ब्लैक मंबस हर किस्म के सांपों को विष दिया फिर उन्होंने जब रोया ना जब सांपों ने गुहार लगाई कि हम क्या करेंगे हमें ये लकड़हारे जो हैं
ये रस्सियों का काम लेते हैं और घर पर जाकर हमें फेंक देते हैं और हमें फिर कीड़े मकोड़े खा लेते हैं। कहा कोई बात नहीं, अब जाओ ना, अब तुम्हें हम ऐसा विश्व देंगे जिसको देखकर दूर दूर हर्षद को जल सांप पहुंचो तो कैमेरी मारचो नशी गांचो है, तो उनको भी तो जीने का अधिकार है ना जीवन में, वो भी तो यहाँ अगर दुनिया में इंसान पशु पालन सांप सभी लोग सभी को तो भगवान ने ही पैदा किया है ना, किया है क्या? आप सोच रहे हो क्या? आप आपके मन में कुछ चल रहा है? मेरे मन में कुछ नहीं चल रहा, मैं यही सोच रहा हूँ चल रहा है क्योंकि बात खत्म करें वीडियो लंबी होगी। नहीं मन में चल रहा है, पूछो यही है कि सांप कौन है? मैंने बोला उनको जहर दिया है। नहीं वो ठीक है, लेकिन सांप किसको बना रहे हैं? जहर किसने दिया और कौन है सांप? मुझे भी मान ही लो फिर, हमें भी सांप, आप सांप हैं, आप सांप को लगड़ा रहे हैं, आप बात को अलग दिशा में ले रहे हैं। मैंने बोला एक जमाने में सांपों को रस्सी बांधने का काम करते थे जब उनको जहर नहीं होता था, तो इस जमाने में कौन कौन है सांप? तो सांप अपनी जगह सांप ही रहेगा ना, तो वहाँ ब्लैक मंबस भी होगा तो जाएगा नजदीक उनके, कोई दूर से जहर फेंकते हैं और फिर 30-30 शेर भी अगर सामने जाते हैं। ये आप अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालिए, मैंने बोला किसके लिए था, मैंने समझना चाहता हूँ, मैं वही समझ, मैंने आपको जो बात कही आप अच्छी तरह समझ गए और आपके माध्यम से बहुत सारे लोग इस बात को समझेंगे। नहीं वीडियो बहुत लंबी हो गई है, आप बातचीत हमारी और आपकी खत्म नहीं हो सकती, किसी दिन जो है मंच पे बुलाएंगे और खूब किसी दिन तसल्ली से आइए, फिर हम आपको इसका इतिहास भी बताएंगे, आपको ज्यादा पता होना चाहिए था। और हम जो है सवाल जो है तब कैसे सवाल होंगे तब देखना, क्योंकि एक मंच जो है इनके लिए तैयार करेंगे डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, एक यूनिक मंच, क्योंकि यूनिक भाषण देते हैं ये और इसी वजह से जो है इनकी पहचान भी है बेबाकी से और सीधी बात जो है करते हैं। दीजिए आप इजाजत सुरेंद्र परिहार को, आप भी इजाजत दें और देखते रहे टीवी। और यही मेरा नया पता है, यानी कि सुरेंद्र परिहार का नया पता द अर्बन रिपोर्ट है। सब्सक्राइब करें, लाइक द अर्बन रिपोर्ट को फॉलो करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। हमारे सुरेंद्र परिहार जो है काफी अच्छे से इसको चला रहे हैं, काफी अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे से इसको फॉलो करें। भाइयों बहनों, हम चाहते हैं कि आप द अर्बन रिपोर्ट को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, क्योंकि आपके लाइक शेयर से ही उनके फॉलोवर बढ़ेंगे। डोंट फॉरगेट, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। गाइस कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे। द अर्बन रिपोर्ट को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और हमारे सुरेंद्र परिहार को अच्छे से अच्छे बार कमेंट करें।